फिरोजाबाद से ब्रेकिंग न्यूज। थाना जसराना क्षेत्र के गांव कटरई नगला मानसिंह निवासी महिला नगला कैंकन के आंगनवाड़ी केंद्र में कार्य करती थी। मंगलवार को छुट्टी होने के बाद वो अपने घर के लिए निकली थी। कुछ देर बाद उसका शव एक बाजरा के खेत में रक्त रंजित अवस्था में पड़ा मिला। महिला कुसुम लता पत्नी हरिश्चंद्र के शव को खेत में पड़ा देख मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। जानकारी मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मौके पर मौजूद पुलिस घटना के बारे में जानकारी करने का प्रयास कर रही है। वहीं ग्रामीणों की माने तो धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई है। केकल में क्या घटना हो गई है? ये नगला केकल में सूचना मिली है कि कुसुमलता वाइफ ऑफ हरीशन निवासी नगला मानसी, जो कि आंगनवाड़ी में कार्यरत थी, आंगनवाड़ी में प्राइमरी स्कूल नगला केकल में कार्यरत थी, घर जाते समय उनका सब चरी के खेत में पड़ा हुआ मिला है। इन पर बच्चे कितने हैं? इन पे शायद 3 बच्चे हैं। नाम बताए हैं? इनका नाम नहीं, इनका नाम कुसुमलता है वाइफ ऑफ हरीशन। क्या नाम है आपका? हरिश्चंद। कहाँ के रहने वाले हैं? नवला मानसी। क्या मामला हो गया यहाँ पे? अब ये किसी ने काट दिए। कौन? हमारी पत्नी। क्या नाम है उनका? कुसुमलता। किसी पे शक है आपको? अब शक है सर, अभी छानबीन कर लें उसके बाद। कितने बजे की घटना है? इसी करीब है 1 बजे के लगभग, 12:30 बजे करीब स्कूल से लौटती है, तब की घटना है। आपको कब मालूम पड़ी? हमको तो करीब 2:30 बजे मालूम पड़ी। क्या मामला है नगला मानसिंह का? देखिए, आज थाना जसराना को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जो नगला केकन आंगनबाड़ी केंद्र से अपने गांव नगला मानसिंह जा रही थी, रास्ते में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्राणघातक हमला कर दिया गया है, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर थाना पुलिस तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पहुँचे। मौका का गहनता से निरीक्षण किया गया है, साथ ही साथ घटना के संबंध में सभी पहलुओं पर गहनता से छानबीन की जा रही है। टीमों का गठन कर दिया गया है, शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। सर, कितनी टीमों का गठन किया गया है? कुल 3 टीमों का गठन किया गया है। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, जनकल्याण न्यूज़।